दबा, अरे दबा सब्सक्राइब को, फिर घंटे को दबा, फिर देख जलवा। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए हैं, डाइट प्लान ऑफ पग इन हिंदी। तो कौन सी डाइट है, मतलब हम आपको खाना कम कर ले के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कौन सी डाइट है जो हेल्दी डाइट हो सकती है। इंडियन फूड्स नॉर्मली कौन कौन से हैं जो एक डॉग के लिए बहुत अच्छे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं पग के लिए क्या एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट हो सकती है। तो पग जब 3 से 6 मंथ ओल्ड होता है तो उसे सॉफ्ट फूड दिया जाएगा। पहले 6 मंथ उसे सॉफ्ट फूड दिया जाएगा। सॉफ्ट फूड में आ गया मिल्क, आ गया ब्रेड, आ गई वेजिटेबल्स, हो गए बॉइल्ड वेजिटेबल्स, हो गए एग्स, हो गए, तो ये दिया जाता है। और उसे 3 टाइम दिन का खाना मिलेगा जो चलेगा 3 से 6 मंथ तक, और ये सॉफ्ट फूड रहेगा इनमें। अब वो 6 से 8 मंथ के बीच में क्या करेगा, अब पहले जो 6 मंथ्स है उसको मेच्योरिटी लेवल गेन करना शुरू हो जाएगा वो, तो अब उसे 3 टाइम, अभी भी 3 टाइम खाना उसे दिया जाएगा। अब उसमें प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूड की जाएगी जिसमें आता है लीन मीट, एग्स, लिवर्स, रेड मीट बोन्स, बॉइल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स और बनाना। आप अगर ये नहीं देना चाहते, जैसे नॉनवेज नहीं देना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे फ्रूट्स दीजिए, ज़्यादा रोटी दीजिए, रोटी अगर आप उसे सब्जी के साथ थोड़ी मोटी रोटी बनाइएगा, कच्ची ना रहे, और उसे दूध के साथ दीजिए। उसमें आप ये कर सकते हैं, उसे पेडिग्री भी दे सकते हैं अगर आप दे सकते हैं तो, उसे एज अ नॉर्मल डाइट के लिए। अब उसकी जो 6 से 8 मंथ्स है उसके बीच में आप ग्रेन रिमूव कर देंगे उसकी डाइट से, क्योंकि अब उसे आप च्यूइंग बोन्स भी दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो जॉ है वो बिल्ट होना शुरू हो जाता है, तो आप उसे दे सकते हैं। अब 1 से 8 साल के बीच में उसे क्या मिलेगा, पहली बात तो अब उसका 2 टाइम दिन में खाना होगा, दूध आप 3 बार दे सकते हैं, लेकिन जो खाना है, जो पूरा प्रॉपर खाना है, उसे सिर्फ 2 बार मिलेगा दिन में। अब इसमें लीन मीट आ गया, एग्स आ गए, फ्रूट वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स आ गए। अब 1/2 कप दूध में आप इसको बनाना मिल्क, जैसे बनाना हो गया और मिल्क हो गया, वो आप दे सकते हैं। अब 8 साल से अब क्या होता है, वो थोड़ी सीनियर लेवल पे आ जाता है, मतलब उसे अब बोन्स नहीं दी जाएगी क्योंकि उसका जॉ तो बिल्ड हो चुका है। अब उसे बॉइल्ड चिकन मिलेगा, एग्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, और बनाना आप पूरी जो इसकी एज है उसमें दे सकते हैं। और अगर आप कुछ, जैसे आप अगर दाल भी देना चाहे इसे, जैसे उबली दाल होती है उसको थोड़ा गर्म करके वो भी दे सकते हैं, उबली चने की दाल जो होती है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कि कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए पग के लिए इंडियन फूड के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल एनिमल चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।